की प्रो चैनल। सो गाइस, आज इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह स्विच और हब्स को यूज़ करते हुए उनके दरमियान हम नेटवर्किंग किस तरह करते हैं। मीन के हमारे पास सपोज 5-6 हमारे पास पीसी हैं, मीन के पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, तो हम उनको किस तरह कम्युनिकेट करते हैं एक से दूसरे में। मीन के सपोज अगर एक पीसी है, वो क्या करेगा कि किसी भी आईपी एड्रेस पे वो एक मैसेज को डिलीवर करना चाहता है, एक सेंड करना चाहता है, मीन के एक सेंडर टू रिसीवर का कम्युनिकेशन लाना चाहता है। तो हम यूज़ करेंगे मेथड, पहले तो हब का, कि उसमें मेथड बेसिकली क्या होता है, और फिर हम सिमिलरली द सेकंड केस इज स्विचिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन नेटवर्किंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ये बेसिकली स्टेप वन है और वीडियो वन है इस सीरीज़ की नेटवर्किंग ही। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है सिस्को पैकेट ट्रेसर स्टूडेंट, तो वो आपके पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि इसी सॉफ्टवेयर पर हम एटमोस्ट काम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखें इस तरह की स्क्रीन आपके पास ओपन हुई है, तो उसमें सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है कि मैं हब से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको हब का पता होना चाहिए कि बेसिकली ये होता क्या है। हब से क्या होता है कि सपोज अगर आपके पास 10 पीसी हैं, तो जो फर्स्ट वाला पीसी है वो अगर मैसेज सेंड करना चाहता है 10 वाले को, तो इससे क्या होगा कि जो फर्स्ट वाला मैसेज होगा वो 10 के पास जाएगा और चेक करेगा क्या ये वहीं हमारे पास मीन के इसका आईपी एड्रेस है, और सबसे पूछेगा, और फिर जो उसको आंसरिंग मिलेंगी अगर तो मैचिंग होता है तो सही है, वरना वो नेक्स्ट फर्दर मूव करता जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जब दोबारा आएगा तो फिर इसी तरह 10 टाइम पूछेगा, फिर इस तरह 10 टाइम पूछेगा, मीन के जब भी हम कोई भी मैसेज सेंड करना चाहेंगे, तो सपोज मैं 1 से 10 की तरफ सेंड करना चाहता हूँ पीसी की तरफ, तो हर दफ़ा वो मैसेज 5 की 10 जितने पीसी होंगे उनकी तरफ जाएगा। एट द एंड क्या होगा कि जिसका मैसेज आईपी एड्रेस मैच हुआ उसके साथ, वो उसको सेंड कर देगा। तो इसी तरह हम दूसरी मीन के ऑपोजिट डायरेक्शन देखें अगर स्विच की, तो स्विच बेसिकली क्या होता है कि फर्स्ट टाइम तो वो सब के साथ चेक करता है, लेकिन जब हम सेकंड टाइम की बात करते हैं तो वो सब की तरफ नहीं भेजता, क्योंकि उसके पास उसका एड्रेस स्टोर हो जाता है। तो बजाय अगली दफ़ा सब के भेजने के, वो सिर्फ वही उसी को ही भेजता है जिसके पास उसका एड्रेस स्टोर होगा। मीन के अगर वो सेकेंड टाइम भी दोबारा उसी के पास जाएगा, तो वो क्या करेगा कि वो जो 9 वाले पीसी हैं उनको नहीं चेक करेगा, वो डायरेक्ट उसी ही आईपी एड्रेस पे जाएगा। तो ये बेसिकली स्विच का बेनिफिट है। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस पता चल गया होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है कि मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको हब पे क्लिक करना है, और यहाँ से जेनेरिक को क्लिक करें, और यहाँ पे एक हब का जो है सर मीन के आपने क्रिएट करना है कनेक्शन के लिए। तो सिमिलरली आपने फिर एंड डिवाइसेस, हम एंड डिवाइसेस भी इनको कहते हैं, इनको होस्ट भी कहते हैं, इनके मीन के डिफरेंट नाम मीन के नेम्स हैं, इनको होस्ट भी एंड डिवाइसेस भी मीन के सिमिलरली हम इनको बहुत से नाम हैं। चलो इन बगैर टाइम जाया कि हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये क्लिक किया एक पी सी यहाँ पर, एंड सिमिलरली सेकेंड पी सी, एंड थर्ड वन, 4 and 5। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि 5 पीसी बन गए। तो इससे क्या होगा कि हमारी कनेक्टिविटी के लाजमी है कि हमारे पास एक हब होना चाहिए, और फिर हब से ये आगे फिर नेक्स्ट मीन के इसे डिलीवर करेगा अपने मैसेज को। तो उसके लिए लाजमी है कि हर पीसी को उसका एक आईपी एड्रेस दें। तो आईपी एड्रेस देने का क्या होता है कि एंड ये देखें, इससे क्या होगा कि हमने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे हम आएंगे डेस्कटॉप पर, तो डेस्कटॉप पे यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन आती है, तो यहाँ पे हमें इसे एक एड्रेस देना पड़ेगा, एक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इसे आईपी एड्रेस देता हूँ 192.168.168.168। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी थोड़ी बहुत ही नॉलेज होगी कि हम जो आईपी एड्रेस देते हैं वो किस तरह देते हैं। तो मैंने ये क्या किया कि 168.168.1। तो मैंने क्या दिया, ये फर्स्ट वाले पीसी को दिया मीन के आईपी एड्रेस, और अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इंटर करूँगा, तो ये सबनेट मार्क्स हो गया। तो ये सबनेट मार्क्स कैसे, मार्क्स कैसे आया, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओके गाइस, तो देखें इसमें आपको सबनेट मार्क्स तरह पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्लासेस कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसमें हमें एक कंप्लीट सेट देखने होते हैं और बिट्स में इन्हें कन्वर्ट करना होता है।
तो कन्वर्ट्स पे वहाँ से हमारे पास एक वैल्यू निकलती है। ये तो आप कन्वर्जन मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगी, तो अगर आपको नहीं पता तो आप इसको सर्च करें और इसे मीन के फाइंड करने और पता चल जाएगा आपको। बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी होनी चाहिए सबनेट मार्क्स की। ओके, तो अब हम सिंपल इस पे क्रॉस करेंगे एंड ये क्रिएट हो गया मीन का फर्स्ट पीसी का एड्रेस। इस तरह हम सेकंड या पीसी की बात करेंगे तो हम इस तरह डेस्कटॉप पर जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करता हूँ क्योंकि मैंने पाथ कॉपी किया हुआ था। सिंपल इसमें चेंजिंग क्या करूँगा, 1 की जगह 2 कर दूंगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये बाई डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक सबनेट मास्क क्रिएट कर देता है। ओके, अब इसे भी क्लियर। एंड सिमिलरली थर्ड वन डेस्कटॉप, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा कंट्रोल वी और यहाँ पे 3 कर दूंगा, इसे क्लिक किया ये क्रिएट हो गया बैकवर्ड। फोर्थ वन एंड डेस्कटॉप एंड आईपी एड्रेस इसे देता हूँ मैं ये, एंड सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट और यहाँ पे मैं इसे 4 लिख देता हूँ, मीन के ये एड्रेस इसका बाय हमने बना दिया। इस तरह सिमिलरली फिफ्थ वन होगा जिसमें हम आईपी एड्रेस इसको साइन करेंगे, जस्ट कॉपी एंड चेंज बाय नंबर 5 एंड जस्ट क्लिक बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्रिएटेड एंड क्रॉस। ओके, तो अभी हमारे पास क्या हो गया कि हमने ऑल पीसीस को असाइन कर दिया आईपी एड्रेस। तो इससे क्या होगा कि एक कंप्लीट एड्रेस लोकेटेड हो गया ऑल पीसेज में। तो अब मुझे क्या करना है कि इनके दरमियान कनेक्टिविटी के लिए एक वायर लेनी है। तो वायर लेने के लिए सिंपल मुझे क्या करना है कि वायर में ये कॉपर स्ट्रिप थोड़ लेता हूँ। ओके, तो मैंने क्या सिंपल करना है इस फास्ट इथरनेट, ओके ये कनेक्ट किया, तो अब मैं क्या करूँगा सिंपल इसके साथ कनेक्ट किया पोर्ट 0। अब सिमिलरली इसके साथ और मैंने फास्ट इथरनेट को क्लिक करना है और इसके साथ कनेक्ट कर देना है और पोर्ट 1, क्योंकि 0 सेलेक्ट हो गई है पोर्ट 1। इस तरह 3, 4, 5 जितनी भी पोर्ट्स आपके पास अवेलेबल होती हैं, तो क्लिक एंड कनेक्टेड एंड पोर्ट 2। इसी तरह राइट क्लिक एंड देन फिर राइट क्लिक और फास्ट इथरनेट क्लिक किया एंड इसके साथ कनेक्ट हो गया और पोर्ट 0, 1, 2 तो मीन कि हमने दे दी पीसी को। थर्ड वन एंड सिमिलर फिफ्थ वन हमने कनेक्ट कर दी हब के साथ। ओके, तो हब क्या करेगा कि सपोज मैं ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला पीसी है इससे अगर मैं मैसेज सेंड करना चाहता हूँ 5 की तरफ, तो ये सब की तरफ सेंड करेगा और उसे डिक्लेयर करेगा कि वाकई आप यहीं आपका आईपी एड्रेस है या नहीं। अगर तो होता है वो इसकी तरफ मैसेज चला जाएगा, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम सिमिलरली एक मैसेज को साइन करते हैं, ये मैंने मैसेज पे क्लिक किया और मैं मैसेज ले आया इनकी तरफ, तो मैंने फर्स्ट वाले को साइन किया और लास्ट वाले को साइन किया। ओके, तो अब मुझे आगे क्या करना है कि सिमिलरली ये जो बैक पे लिखा हुआ है हमारे पास सिमुलेशन, एक हमारे पास होता है रियल टाइम और एक होता है सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है कि चेक करने के लिए वाकई ही क्या ये मैसेज आएगा या नहीं, तो मैं सिंपल कैप्चर एंड फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास देखें ये हमारे पास आया यहाँ पर। अब दोबारा से अब मैं क्या करूँगा कि दोबारा से फिर मैं कैप्चर एंड फॉरवर्ड, क्योंकि जब आप इस तरह करोगे तो फिर ही आपका मैसेज आएगा, तो क्लिक किया मैंने तो ये देखें सबके पास गया। अब सबसे चेक करेगा वाकई ही कौन कौन सा मैसेज है, ये देखें तो इसने बताया कि ये मीन के तीनों इससे एड्रेस से मैच नहीं कर रहे। तो लास्ट वन दोबारा से ये देखें, अब दोबारा से क्या गया कि एक सेंडर ने रिसीवर की तरफ सेंड किया, रिसीवर का मीन के सही करेक्ट मैच हुआ और उसने कहा सही है। अब दोबारा से बैकवर्ड दोबारा से ये जाएगा इन चारों के पास और इन तीनों का जो है सेकंड थर्ड मीन के सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वो क्रॉस दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसका आईपी एड्रेस मैच नहीं हुआ। तो सिमिलरली इसी तरह ही हमारा भी कम्युनिकेशन होता है और हम हब को वैसे यूज़ नहीं करते, हम ज़्यादातर स्विचेस यूज़ करते हैं, मीन के एट मोस्ट स्विचेस यूज़ करते हैं। तो ये था सिंपल स्विचेस का, और मैं अब आपको बताता हूँ कि किस तरह हम यूज़ करते हैं, हम स्विचेस को यूज़ करते हैं। तो सिंपल आप यहाँ पे आए, इसको डिलीट करें मैसेज को और डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सिंपल यहाँ पे इसे क्रॉस क्रॉस पे क्लिक किया और मैं इसे डू यू वॉन्ट डिलीट दिस आइटम, कहता है यस, क्योंकि मैंने इस पर क्लिक करके क्रॉस को किया तो डिलीट हो जाएगा ये। ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ ये स्विचेस की तरफ और मैं स्विचेस ये फर्स्ट वाला लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और वही मेथड है कि आपने क्लिक कनेक्ट
एंड कनेक्टेड एंड फास्ट इथरनेट, फर्स्ट वाला कनेक्ट फास्ट इथरनेट एंड सेकंड कनेक्ट एंड इसको भी हम क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं। ओके एंड फास्ट इथरनेट एंड फोर्थ वन, और ये हमारे पास क्या हुआ कि लास्ट वन भी कनेक्टेड हो गई। ओके तो ये हमारे पास क्या था कि सिमिलरली हमारे पास कनेक्टिंग, ये मेरे हाल में ये जो दे रहा है रेड, ये इसलिए दे रहा है क्योंकि ये भी इसने स्टार्ट होना है, मीन के अभी स्टार्ट, ये हमारे पास रनिंग स्टेट में आ जाते हैं, जबकि हमारे पास येलो जो है ये जो दे रहे हैं मीन के ऑरेंज कलर के, तो ये अभी स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलें हम अभी स्टार्ट करते हैं मैसेज को डिलीवर करना। तो मैसेज हम फिर फर्स्ट से लास्ट एंड पर हम भेजते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि लीड मैसेज एंड दोबारा से हम क्रिएट एंड ओके, अब हम चेक करते हैं कि वाकई क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके फर्स्ट की तरफ एंड दोबारा से फिर कैप्चर। ओके देखें इसकी तरफ क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका देखिए कनेक्शन अभी नहीं हुआ, मीन कि क्या अभी इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो इसलिए ये मैसेज इसकी तरफ आया ही नहीं। तो इस तरह के भी आपको पता होना चाहिए, अगर कोई वायर वगैरह मीन के अगर आपकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको मीन के डिलीवर कर सके मैसेज, तो वो डिलीवर नहीं करेगी। तो इस तरह की आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, मीन के अगर आप देखें अब ये भी इसके साथ मैच नहीं हो रहा, इसके साथ मैच नहीं हो रहा, इसके साथ फर्स्ट टाइम स्विच का क्या है कि फर्स्ट टाइम वो ऑल की तरफ सेंड करेगा, लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइम की बात करेंगे वो फोर पीसी को इग्नोर करते हुए डायरेक्ट उसी को ही भेजेगा जहाँ से सेंडर मीन के मैसेज आया था। इस तरह अगर आप ये चेक कर लें दोबारा से हम फॉरवर्ड देखें, तो अब ये देखें मीन के उसी को ही जा रहा है, अब इन चारों की तरफ या तीनों की तरफ मैसेज नहीं जा रहा। तो ये बेसिकली बेनिफिट है, और टिक दे रहे हैं आप दोबारा से अगर हम बात करें इसको हम सेंड करें तो ये देखें इस तरह ये जाएगा मैसेज, मीन के अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम एक सेंड करें तो सबको जाके ये मैसेज करेगा क्या आपका ये मैसेज है, तो आईपी एड्रेस मैच करेगा और फिर बताएगा कि येस और नॉट। तो ये ना बेसिकली सिंपल मेथड मीन के डिफरेंस ही था कि हम हब्स और स्विचेस को किस तरह मीन के डिफरेंशिएट करें, और कनेक्टिविटी को मीन के हम इनको देखते हुए किस तरह हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंस है। सो गाइस आई होप डैट यू अंडरस्टैंड, एंड इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।